गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सरकार और बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। 3 महीने तक चला निजीकरण का फैसला। बिजली कर्मचारी ने अपनी हड़ताल की समाप्त, काम पर लौटे वापस। विद्युत आपूर्ति हुई बहाल। योगी आदित्यनाथ ने कहा अपनी उपलब्धियां बताने के साथ विपक्ष की पोल भी खोले। प्रोपेगेंडा के अलावा विजनलेस विपक्ष के पास गिनाने को कुछ नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने भाजपा कार्यकर्ताओं का किया आह्वान, कहा विपक्ष की साजिशों से बेपरवाह होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर दे ध्यान। यूपी में नौकरी का आधार क्षेत्र या जाति नहीं, सिर्फ मेरिट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने विद्युत कर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न हालात का लिया जायजा। कहा प्राइवेट लाइन तथा टेक्निकल स्टूडेंट के सहयोग से करे विद्युत आपूर्ति, नागरिकों को ना होनी पाए कोई दिक्कत। निजीकरण के विरोध में आंदोलित विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा सोमवार से किए गए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के बाद विद्युत आपूर्ति पूरे महानगर में लड़खड़ाई। विद्युत आपूर्ति को जिला प्रशासन ने संभाला, पूरे रात उपकेंद्रों पर जमे रहे अधिकारी। विद्युत आपूर्ति को कराया बहाल। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखने के उपायों की दी जानकारी। कहा जून तक कर ले तैयारियां पूरी। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। एसडीएम सदर ने कहा अधिकतर आय भूमि और राजस्व विवाद के मामले, किया गया निस्तारण। गोरखपुर में मंगलवार को मिले जिला अस्पताल के एसआईसी और एम्स के 2 डॉक्टर सहित 163 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,532। अब तक कुल 270 गवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1,905। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। निजीकरण पर रोक लगाने की मांग। और महंगाई, बेरोजगारी और बुनकरों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए किया गया प्रदर्शन, जताया विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट को महामहिम राज्यपाल को संबोधित, सौंपा ज्ञापन।